इसमें कोई शक नहीं कि नौजवान पीढ़ी की सोच बदल रही है। इसकी ताजा उदाहरण है आज लुधियाना के हैवोवाल में महाशिवरात्रि का एक लंगर, जिसको गो ग्रीन क्लब ने आयोजित किया। प्रधान वरुण सूद और उनकी पूरी टीम ने हमें भी यहाँ पर जाने का मौका मिला, और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने पौधों को बांटा और घर घर उनको लगवाने के लिए लोगों से वायदा भी लिया। आइए देखते हैं वहां के कुछ दृश्य। जी बताइए कैसा लगा आज आके? बहुत अच्छा लगा। गो ग्रीन क्लब ने ये जो पहल किया है बूटे लेकर के सम्मान करना, लोग सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने घर में बूटे ले जाकर के लगाएं, उसको पानी दें, जब उसमें पत्ता बढ़ेगा फूल निकलेगा, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उनके जीवन में खुशियाँ भी बढ़ेगी, हरियाली आएगी। इस गो ग्रीन क्लब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ये खुद तरक्की करे। ये बहुत मेहनत से और बड़ा अच्छा इन्होंने चुनाव किया कि जो लुधियाना को गो ग्रीन बनाना है, हर घर में ऐसे ऐसे वृक्ष बांट रहे हैं, पेड़ पौधे दे रहे हैं। आपका अपराजिता है, पारिजात है, कड़ी पत्ता है, और भी बहुत सारे उसमें पेड़ लगे हुए हैं जो घर में लगाने से बड़ा शुभ होता है। वास्तु दोष भी इससे दूर होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, मन प्रसन्न रहता है। तो ऐसे वृक्षों को पौधों को बांटने के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत गो ग्रीन क्लब के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। प्रेरणा स्रोत रजत जी इन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ा करके ऐसे कार्यक्रम करने के लिए इनको जोड़ करके रखा, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। सारी समिति को, मंडली को, राकेश को भी बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। ऐसे कार्य करते रहें। हाँ जी, मेरा नाम वरुण सूद है जी। मैं थोड़ा सब का बहुत धन्यवादी हाँ जिहड़े अज चैनल देख रहे हैं। अज असी एक मिशन शुरू किया है घर घर जाके पौधे लगाने का, लोगों को पौधों बारे अवेयर करन दा, क्योंकि आने वाले टाइम के असी सारे खाने वास्ते या कमा रोटी पाते अपना कपड़े वास्ते तो कमा रहे हैं, बट ऑक्सीजन नहीं साढ़े चो कोई नहीं कमा रहा। इस करके साडा हुण मकसद है कि घर घर जाके पौधे लगाना ताकि आने वाले टाइम से सानू ऑक्सीजन की कमी ना आ सके, जो कि अज पोल्यूशन करके बहुत ज़्यादा आ रही है। अज गो ग्रीन क्लब द्वारा हैपोवाल दे विच महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य दे विच अटुट लंगर लाया गया, ते नाल दी नाल असी लंगर दे विच पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि साडा जिहड़ा वातावरण है वह हरा भरा होवे, सुगंधित होवे ते साफ होवे। आपसे भी विनती है कि आप भी ऐसी संस्थाओं से जुड़े और पर्यावरण को बढ़िया बनाने में अपना योगदान डालें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।